नमस्कार, जय मसीह की। मैं प्रभु में आपका भाई पास्टर संजय मौर्य, और आज हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कैसे प्रचार किया गया और कैसे फैला। और इसके लिए पहले जानना ये ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एशिया के देश इज़राइल में हुआ, और आज से 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म भविष्यवाणियों के अनुसार हुआ। यीशु मसीह के जन्म से हजारों वर्ष पहले कई एक संतों ने उनके जन्म के विषय में भविष्यवाणी ठीक भविष्यवाणी करी, और भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ। और बहुत अलौकिक, बहुत अद्भुत तरीके से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके जन्म से पहले स्वर्गदूतों ने खबर दी, और जन्म होने के बाद स्वर्गदूतों ने इस बात का प्रचार किया, गणरियों को प्रचार किया, और प्रकृति ने कई एक संकेत उस समय दिए थे कि उद्धार का जन्म जो है हो गया है। और यीशु मसीह जो है सेवा करने लगे, वो बड़े बुद्धि डील डोल मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह बढ़े, और उन्होंने अपनी प्रथम सेवकाई के दिनों में 12 चेलों को नियुक्त किया। मैं उसके लिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ मरकुस 13:13-14। वहाँ लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में सबसे पहले 12 चेलों को नियुक्त किया, 12 शिष्यों को तैयार किया, और उन शिष्यों को अपने साथ रहने और प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा। आगे चल करके ये 12 शिष्य कैसे बढ़े, कैसे पूरी दुनिया में पहुँचे, इनकी गिनती कैसे बढ़ी, इसको हम बाइबल से जान रहे हैं। और पढ़ेंगे लूका की इंजील 10:10 उसकी 1 आयत, और वहाँ लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस नगर और जगह वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। ध्यान दें इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ने 70 और चेले नियुक्त किए और उनको वहाँ भेजा जहाँ प्रभु यीशु मसीह खुद जाने पर थे। अर्थात यदि आप प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु पर ईमान रखते हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह से बिल्कुल भी कम नहीं हैं लोगों को उद्धार दिलाने में, लोगों को चंगाई देने में, लोगों को छुटकारा देने में। सारी सामर्थ जो यीशु मसीह में वास करती थी वो आपके अंदर भी वास करती है। यीशु मसीह ने सारी सामर्थ आपको दे रखी है उसके वचन के अकॉर्डिंग। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि चेले जो काम मसीह कर सकते थे और चेले नहीं कर सकते थे, तो यीशु मसीह उन्हें जहां खुद जाना था नहीं भेजते। और यीशु मसीह ने जब अपनी जगह उनको भेजा है तो जो काम यीशु मसीह कर सकते थे चेले भी कर सकते थे। और यदि आप प्रभु के चेले हैं तो मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ये चेलों की गिनती आगे बढ़ के कितनी हो गई। यहां पर जो है 12 चेले पहले थे, फिर उन्होंने 70 चेले और नियुक्त किए, और ये 82 चेले हो गए। और प्रेरितों काम 1:15 उसकी 15 आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा हुआ। मतलब यीशु मसीह के चेले 12 से 82 हुए, और 82 से 120 हो गए प्रेरितों काम 1:15 तक। और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों काम 2:41 और 41 आयत में पतरस जो है प्रचार कर रहा है बड़ी भीड़ के सामने, और लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने 32 लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और ये जो है उसके प्रचार के बाद 3,000 लोगों ने मन फिरा लिया, और ये पहले से ही जो है 120 लोग थे और 3,000 और, तो ये 3,120 लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की भीड़ हो गई, तैयार हो गई। और प्रेरितों काम 4:4 तक आते आते इनकी गिनती 5,000 हो गई। और मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। ध्यान से सुने, लिखा है उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। अर्थात
पुरुषों की गिनती यहाँ पर दी गई है, यहाँ महिलाएं भी होंगी, यहाँ बच्चे भी होंगे, तो ये 5,000 नहीं है, ये करीब करीब 20,000 लोगों की भीड़ थी जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को मानने लगी थी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगी थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के प्रथम चेले उन दिनों में जब वहाँ बहुत सारा सताव बढ़ रहा था, उस समय में यीशु मसीह के चेले पूरी दुनिया में फैल गए थे, पूरी दुनिया में प्रचार करने लगे थे। और ये बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा था, वो तो भारत में भी आया था साउथ इंडिया में, और उसने जो है भारत में आके यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और बताना चाहता हूँ प्रेरितों काम 6:7 में लिखा है, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। यीशु मसीह के वचन में सामर्थ्य है, उसका वचन काम करता है, और जब वो प्रचार प्रसार चलता रहा तो लिखा है कि फैलता गया परमेश्वर का वचन और यरूशलेम में चेलों की गिनती भी बढ़ती चली गई। और लिखा है प्रेरितों का 12:24 उसकी 24 में, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। यीशु मसीह के वचन का प्रचार इतना हुआ कि वो फैलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, यीशु मसीह के चेलों की गिनती बढ़ती चली गई। और प्रेरितों का 17 में यीशु मसीह के चेलों को जो है थिसलुनुके नगर में यीशु मसीह के चेलों को पकड़ा गया, उनको सताया गया। और जब यीशु मसीह के चेलों को लोग सता रहे थे, तब एक जो है व्यक्ति वहाँ आया और वो कहता है यीशु मसीह के चेलों को क्या कहकर के संबोधित करता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ऐसे लिखा है, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, यीशु मसीह के चेलों को पकड़ के सताया जा रहा है और एक व्यक्ति आके ये कहता है कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। मतलब यीशु मसीह के शिष्यों ने पूरे जगत को उस समय सुसमाचार से भर दिया था, वे बहुत फेमस हो चुके थे, उनकी चर्चाएं हो रही थी, वे जहां भी जाते थे प्रचार करते थे, और उनका प्रचार इतना हुआ कि वे थिसलुनुके नगर में पहुंचने से पहले ही उनका संदेश वहां पहुंच चुका था, उनकी चर्चाएं वहां पहुंच चुकी थी। और ये 12 शिष्य ऐसे शिष्य थे जिन्होंने पूरे जगत को उस समय सुसमाचार से भर दिया था। और मैं बीते दिनों में एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है सच्ची शिष्यता, और उसमें मैं पढ़ रहा था जॉन बेसली के विषय में। जॉन बेसली अपने दिनों में कहा करते थे, मुझे ऐसे 100 लोग मिल जाएं जो पाप को छोड़ किसी और बात से नहीं डरते हों और यीशु मसीह से बेनता मोहब्बत करते हों, तो मैं पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दूंगा। मेरे मन में उसी समय एक सवाल आया था, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि 100 लोगों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन तभी पवित्र आत्मा ने मेरे मन से बात किया कि यीशु मसीह के पहले प्रथम 12 चेलों ने जब पूरी दुनिया में धूम मचाती थी, पूरी दुनिया को सुसमाचार से भर दिया था, वे उतना प्रचार उन्होंने किया था कि वे जिस देश में जाते थे उससे पहले उनकी खबर, उनकी चर्चा उस देश में पहुंच जाया करती थी। तो ऐसे चेले जो यीशु मसीह ने 12 तैयार किए थे, उन्हीं चेलों के जैसे 100 चेलों की बात कर रहे हैं जॉन बेसली, और ये संभव था। मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे चेले और पैदा हो जाएं, और यदि जॉन बेसली को वो 100 लोग मिल जाते तो मैं आशा करता हूँ पूरी दुनिया कब की बच गई होती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन शिक्षा की बात, जोर देने वाली बात ये है कि कैसे यीशु मसीह का प्रचार कैसे पॉसिबल हुआ कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा, ऐसी क्या टीचिंग थी, ऐसा क्या प्रभाव था यीशु मसीह का जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह के चेले पूरी दुनिया में फैल गए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आयत हैं, 2 ऐसे जो है एक ऐसी आज्ञा है, 2 ऐसी आयतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में वचन पहुंचा। और मैं पढ़ रहा हूं, आपने पहले से सुन रखा है, पढ़ रखा है, आपने प्रचार सुन रखा है, मत्ती की पुस्तक 28:19-20 जब यीशु मसीह दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग जा रहे थे और लास्ट उन्हें यीशु मसीह ने अपने चेलों को कमांड देना था, आज्ञा देना था, और वो आज्ञा जिसको महान आदेश कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ऐसे लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान से सुनिए, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो। और आज
जब पूरी दुनिया में शिष्य भरे पड़े हैं, तब भी पूरी दुनिया में प्रचार नहीं हुआ है, तब भी हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जान पाए, इसका कारण यही है कि महान आदेश पूरी रीति से फुलफिल नहीं हुआ है, महान आदेश पूरी रीति से कलीसियाओं में अभी लागू नहीं हो पाया है। और यदि लागू हो गया, पूरी दुनिया बचा ली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महान आदेश की पूर्ति के लिए हर एक मसीह व्यक्ति को आगे आना चाहिए, क्योंकि इस वचन को कहते हैं महान आदेश। महान आदेश इसका मतलब ये कोई आपके आपके जीवन में कोई जो है समझौता करने वाली बात या फिर आपके जीवन में कोई चुनावपूर्ण बात नहीं है, और ये जो है आदेश कोई आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, ये आदेश कोई सलाह कोई मशवरा नहीं है, परंतु ये महान आदेश है। ये आदेश ही नहीं है, ये महान आदेश है, और जिसकी पूर्ति प्रभु के लोगों को करनी ही चाहिए और आपको मुझको भी करनी चाहिए। इसलिए सुसमाचार का प्रचार करिए और लोगों के लिए दुआएं करिए, ताकि लोग बुराइयों से फिरें, मन फिराएं, प्रभु को जानें और उनके जीवन बच जाएं, बुराइयों से बच जाएं, उद्धार को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं और इसके लिए आपके लिए दुआएं करता हूं कि यदि आप प्रभु का प्रचार करेंगे, ईश्वर वायदा करते हैं कि वो आपके साथ अनादिकाल तक अंत तक आपके साथ रहेंगे और आपको उद्धरण करेंगे और आपको आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सुसमाचार प्रचार ये है कि यीशु मसीह आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी समस्याओं को अपने ऊपर लिया। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और उसका लहू हमारे पापों का प्रायश्चित था। यहाँ तक कि बाइबल में ये तक लिखा है कि यीशु मसीह धनी होकर के भी हमारे लिए निर्धन हो गए, हमारे लिए कंगाल हो गए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों के लिए अपना लहू बहाऊंगा, और यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ली और वो जो है क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जिंदा हो गए और 40 दिन तक धरती पर रहे, और उन्होंने महान आदेश दिया कि जाओ सारी जाति के लोगों को इस बात की खुशखबरी दो कि मैं आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले चुका हूँ। और ये जो है खुशखबरी मैं भी आपको इस प्रचार के माध्यम से दे रहा हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपकी सजा अपने ऊपर ले चुके हैं, बस आपको उस पर ईमान रखने की और उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।